देखा कि बच्चियाँ जवान, बाप साथ है, भाई साथ है, बच्ची को दुपट्टे की होश नहीं है, लिबास की होश नहीं है, पेट नंगे हैं। अब जब एक बच्ची इस लिबास में बाहर निकलेगी, क्या उसकी इज्जत महफूज रहेगी? बाद लोग कहते हैं जी जो पर्दा होता है वो दिल का होता है। अजब बात है, एक बस में सवार हो, पता चले बंदे जेब कतरे बैठे हैं, तो ऐसे ऐसे करके जेब के अंदर उंगली डाल के फिर पैसे निकालते हैं, कुछ देखना लेकिन उसके पास पैसे कितने हैं। पैसों का ख्याल करते हैं, बेटियों का ख्याल नहीं करते। लड़की ने सवाल किया एक मौलवी साहब से, मियाँ जी ये जो लड़के हैं जिधर मर्जी जाएं, लड़कियों के ऊपर क्यों पाबंदी है, लड़कियों को डिग्रेड क्यों किया जा रहा है? तो उन्होंने फरमाया बेटा कभी सरिया देखा है? देखा है जी। किधर पड़ा होता है जी? पड़ा होता है गोदामों में, सड़कों पर पड़ा होता है। अच्छा सोना देखा है जी? देखा है। किधर पड़ा होता है? दुकानों में होता है जी। मैं बेटा जो सरिया होता है वो बाज दफा वो ट्रक उन लुआ लेंगे ने सड़क से, इतने ला दो जी, इतने ला दो जी, वो खिंच लेंगे ने, अगा पिछा कर लेंगे ने। सोना होता है उसको तिजोरी में रखते हैं, बाहर गन वाले बंदे बिठाए होते हैं, बड़े लाख में रखते हैं। मैं बच्चियां सोने की मिसल हैं, मर्द लोहे की मिसल है, सड़क पे पड़े बच्चे की हिफाजत जरूरी है। लेकिन लोग अहले अल्लाह से दूर हो के उनकी अकलों पे पर्दे पड़ गए। अल्लाह फितनों से महफूज फरमाए, अल्लाह सब की बच्चियों की इज्जत आ फरमाए, लेकिन लोगों के अंदर अकल नहीं है, शऊर नहीं है, समझ नहीं है। मेरे मुस्लिम करीम के पास एक बच्चा आया, पायलट है, और पायलट आम पायलट नहीं है, बहुत बड़ा पायलट है, पायलटों का उस्ताद है, कई उसके कारनामे हैं, सरकार का मुरीद है, सरकार के पास बैठा है। सरकार मन है तो कोई अकल, बेअकल बेवकूफ ना होता है, बेअकल अपने बच्चों को दीन पढ़ा, वो रो रहा है। फरमाया कि तू पायलट है, बच्चों को पायलट बना रहे हैं, बच्चों दीन, लाखों पायलट जमा हो जाए हुजूर दाता साहब के कदमों की खाक नहीं बन सकते, लाखों पायलट जमा हो जाए। आज दुनिया बंदा, वो बंदा पायलट है, लेकिन मेरे मुर्शिद की नजर में वड्डा पायलट वो है जो पायलट जन्नत में जाल जोड़ा है, जिसकी आखिरत बेहतर हो। आप पायलट के खिलाफ नहीं है, आप उस रवैये के उस तरीके के खिलाफ हैं कि जो आजकल स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में डांस, बेहयाई, लच्चरपन, बुराई, फितने आम पैदा हो गया, उस सोबत के आप खिलाफ हैं। अब मत सोबत, एक यार जवान बच्चा भी हो, इधर एक बच्चा आया इंग्लैंड से, बड़ा मोटा माशाल्लाह, बड़ा खूबसूरत बच्चा, तवज्जो ही जिक्र लगा, बड़ा रोया महफल के बाद, रोता रहा। उसको पूछा रो क्यों रहे हो? कहता जी अजब बात है, हमारे रिश्तेदार हमें पैसे, हमारे वालदैन हमें पैसे मैया पैसे देते हैं, गाड़ियां देते हैं, आज़ादी देते हैं, हमारे घरों में शराब आम पड़ी है, हमारी जवान कजने हमारे साथ लंबे सफर पर चली जाती हैं, जिधर मर्जी जाएं, जिधर फिरने के लिए जाएं, हमारे माँ बाप हमें सब कुछ मुहैया करके हमें कहते हैं कि गलती नहीं करनी। बुराई की सारी चीजें हमें मुहैया करके और फिर कहते हैं गलती नहीं करनी। जब हमारे हजरत मौलाना हाशिम समगानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि मुझे बंदा सोना दे के जाए, 10 साल बाद मन सोना दे के जाए, 10 साल बाद ले ले, एक रत्ती भी, एक रत्ती उसके अंदर ख्यानत नहीं होगी, अल्हम्दुलिल्लाह। माने कि अगर कहे ना कि जवान बच्ची एक रात आपके पास रहे, फरमाते मुझे अपने नफ्स पे एतबार नहीं है। सूफी
हज़रत अबुल अनीस सूफी बरकत दयानवी रहमतुल्लाह अलैह, वो फरमाया करते थे, कहते थे कि फरमाते थे कि दर्स कुरान हो, पढ़ने वाला पढ़ाने वाला हसन बसरी हो, पढ़ने वाली राबिया बसरी हो, मकाम कबातुल्ला हो, मौजू दरस कुरान हो, मतलब फिर भी उन दोनों का अलहदा तनाई में रहना ठीक नहीं है।